आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि पांच चरण का मतदान पूरा हो चुका है और छठे चरण का मतदान चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पांच चरण में ही मोदी जी के 310 पार कर गए हैं और साथ ही अब छठे और सातवें चरण में 400 पार का कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। साथ ही उन्होंने आगे कहा 400 पार की जिम्मेदारी सातवें चरण वालों पर है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा तो 400 पार हो रहा है लेकिन राहुल बाबा फिर एक बार फिर 40 के नीचे सिमट रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप दिया लेकर भी ढूंढोगे तो अनुराग ठाकुर जैसा सांसद नहीं मिलेगा। इन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की बल्कि बीजेपी के विचारधारा के साथ देश के युवाओं को भी लामबंद करने का मौका काम किया। हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्षता मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम करें। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब राहुल बाबा नेता बने इस देश की राजनीति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा और इतना पुल लीगल पार्टियों को करती थी और साथ ही मगर कभी झूठ की बात को मुद्दा नहीं बनाया। राहुल गांधी ने एक नई परंपरा शुरू की, फिर झूठी बात को ही मुद्दा बनाया गया और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। अग्निवीर योजना के प्रति देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है और चार साल के बाद 75% अग्निवीरों का कोई भी भविष्य नहीं है। देखिए, जब से राहुल जी नेता बने हैं इस देश की राजनीति में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा जाता है, इतना तो पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा करी, शुरू करी कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि चार साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा।
अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 6ठे चरण का मतदान चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा 5 चरण में ही मोदी जी 310 पार कर गए और अब 6ठे और 7वें चरण में 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 400 पार की जिम्मेदारी 7वें चरण वालों पर है और आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा तो 400 पार हो रहा है लेकिन राहुल बाबा फिर एक बार फिर 40 के पार नीचे सिमट रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप दिया लेकर ढूंढोगे तो अनुराग जैसा सांसद नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने बड़ा भारी पैसा दिया और उसकी बंदरबांट की गई, जो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी के मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। लगता है प्रधानमंत्री दिल्ली से होम मिनिस्टर से पूछ के नहीं आए थे कि कुल कितना पैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हिमाचल सरकार को दिया है। और वैसे ही कह दिया कि करोड़ों पैसे हमने दिया और उसकी बंदरबांट जो है प्रदेश सरकार ने की है। वोटेन जो है कि उसे मंडी की फोटो नाले की फोटो कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट क्यों ना ले, ये यूपीए सरकार ने 4 लेन जो है सेंक्शन हुआ है, रिकॉर्ड है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को पता कर ले कि कब इसकी नोटिफिकेशन हुई। और उसके साथ ही पिछले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि देवभूमि के सभी देवी देवताओं के पास जाकर मेरी हाजिरी लगाना। और इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मंडी में भूतनाथ मंदिर में माथा टेका और जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा सफल रहा और साथ ही उन्होंने पुरानी यादों को भी तरोताजा किया। मंडी के सभी लोगों की भावनाओं को उनने अपनी भावनाओं के साथ जोड़ा, पुरानी यादों को ताजा किया और उसके साथ साथ में जो हिमाचल के हित के लिए जो विकास कार्य, देश हित में जो विकास कार्य उनका जिक्र करते थे, ये भी आह्वान किया कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमको और शक्ति प्रदान हो सेवा करने की, काम करने की, आने वाले समय में समाज के लिए। उस दृष्टि से एक आह्वान किया उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां की और जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और साथ ही नरेंद्र मोदी ने चुनावी हमले के बाद शिमला में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पलटवार किया। और साथ ही बता दें कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी और इस बात की जानकारी पीएम को भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक के चुनाव में प्रधानमंत्री ने
चुनावी भाषण में झूठ ही बोला है और आज देश में बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं हो रही। हमारे पास क्लियर जानकारी है, फील्ड रिपोर्ट है, हम जीतेंगे। बिल्कुल हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए स्थिति में है। ऑल फाइव फेस इलेक्शन वी हैव डन वंडरफुली। एवरी डे आवर प्राइम मिनिस्टर इज ओनली डूइंग वन जॉब। सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर ने बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे पर बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा आपदा का है। आपदा पे एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त में उन्होंने शक्ल दिखाई, न एक रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर कोई आदमी कहीं भी काम करता अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। दूसरे बड़े सेब उत्पादकों का मामला है। हिमाचल प्रदेश के युवा पर्वतारोहियों का एक समूह प्रदेश के राज्यपाल विश्व प्रताप शुक्ल से मिलने पहुंचा और साथ ही हाल ही में युवा पर्वतारोहियों ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 6,303 मीटर ऊंचे चाऊ चाऊ कांग निल्डा चोटी को फतह किया और साथ ही राज्यपाल से मुलाकात में इन पर्वतारोहियों ने प्रदेश में पर्वतारोहण को विकसित करने और माउंटेन रेस्क्यू सेंटर विकसित करने की भी मांग की है। मैं शिमला का निवासी हूं और मैं एक पर्वतारोही हूं। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं माउंटेनिंग फील्ड में जी। एक तो हमारा दो उद्देश्य हमारे खास तौर पर थे। एक तो हम चाह रहे थे कि हिमाचल को जो है, हिमाचल में बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है, तो हमारा मेन मकसद है कि हम हिमाचल को प्रमोट करना चाहते हैं माउंटेनिंग में। और दूसरा हमारा मकसद था सेफ्टी को लेकर कि अगर कोई भी लोग देश दुनिया से क्लाइंब करने हिमाचल आते हैं तो वाइट एक्सपेडिशन के बच्चे आए थे और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उन्होंने लाहौल स्पीति के चाऊ चाऊ कांग जो है निल्डा जो चोटी है जिसकी ऊंचाई 6000 फीट से अधिक है, 6303 फीट की है, तो उसकी चढ़ाई उन्होंने किया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोलन मॉल रोड पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एनसीसी एनएसएस के छात्र छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया और इस दौरान नारों और स्लोगनों के माध्यम से बच्चों ने एक एक वोट का महत्व बताया। हमारे संवाददाता ने नगर निगम सोलन के सहायक आयुक्त प्रियंका चंद्रा से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि 1 जून 2024 को जो हमारे है इलेक्शन है, वोटिंग डे है, तो उसी में जितने ज्यादा लोग वोट करें और वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो उसको उसके तहत जो है हम विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स जो है हम पूरी डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जो है ये स्वीप के अंतर्गत जो है जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे उनको लेके जो प्रोग्राम करवाया गया, एक रैली ऑर्गेनाइज करवाई गई जिसमें यही मैसेज दिया गया कि आप जो है 1 जून को जाके जो है वोट करें। अमूमन ये देखा गया है कि जो अर्बन एरियाज है जैसे सोलन है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 60% से कम रही है और मिशन 414 के अंतर्गत पूरे सोलन डिस्ट्रिक्ट में 17 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।